तो आज हम बनाएंगे गुड़ की खीर। गुड़ की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 150 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 3 छुहारा, 1 टेबल स्पून काजू, 1 टेबल स्पून किशमिश, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम चावल लिया है। चावल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दूध उबाल लेते हैं। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। दूध को अच्छी तरीके से उबालने के बाद हम इसमें चावल डालेंगे। स्वाद और सेहत दोनों में लाजवाब होती है गुड़ की खीर। दूध अच्छे से उबल चुका है, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। गुड़ की खीर का अनोखा स्वाद बड़ों और बच्चों सभी को पसंद आता है। गुड़ की खीर परंपरागत मिष्ठान है। वैसे तो खीर चावल, चीनी, दूध और मेवों के साथ भी बनाई जाती है, लेकिन अगर चीनी की जगह इसमें गुड़ को मिला दिया जाए तो इसका स्वाद और पोषण मूल्य दोनों ही बढ़ जाता है। जब तक खीर पक रही है तब तक ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं। अब हम रोस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बीच में हमें खीर को इस तरह चलाते रहना है। और यहाँ पे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया है, अब इसमें इलायची पाउडर मिला दें। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीच में हमें खीर को इस तरह चलाते रहना है। जब तक ये खीर अच्छे से ठंडी होगी तब तक हम गुड़ तैयार कर लेते हैं। इस तरह आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। 1 कप पानी डालेंगे और अब इसमें ये 150 ग्राम गुड़ डाल देंगे। जब गुड़ पानी में पूरी तरह से मिल जाए तो गैस को बंद कर देंगे। ये गुड़ अच्छे से रेडी हो चुका है, अब गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने देंगे। खीर अच्छे तरीके से ठंडा हो चुकी है, अब हम इसमें ये गुड़ का पानी डालेंगे।
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें, खीर जब गर्म हो तब इसमें गुड़ नहीं डालना है, नहीं तो दूध फट जाएगा। आप देख सकते हैं स्वादिष्ट गुड़ की खीर बनकर तैयार है और दूध भी नहीं फटा, है ना मैजिक। थोड़े ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। थैंक यू।